हेलो दोस्तों, एम्बिशन एडियो ग्रुप में आपका स्वागत है। आइए आज का बेहतरीन टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक चंद्रयान 3 का डिटेल्स जानते हैं और 14 जुलाई 2023 को उसका उड़ान 14:35 में हो गया है और भी जाने कि चंद्रमा पर सबसे पहले किसने कदम रखा और चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 का डिस्कस करने वाले हैं। ये ध्यान से सुने और प्रॉपर सुने क्योंकि ये आपको जानना भी जरूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइए जानते हैं चंद्रमा पर सबसे पहले और किस साल में कदम रखा था, किसने रखा था। तो सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाला कौन है? सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाला स्पेस क्राफ्ट, सबसे पहले भेजने वाला स्पेस क्राफ्ट, सबसे पहले भेजने वाला, ये सारे चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो स्पेस क्राफ्ट सबसे पहले भेजने वाला सोवियत संघ यूएसएसआर ने भेजा था। कि कौन सा स्पेस क्राफ्ट भेजा था? स्पेस लूना टू मिशन उन्होंने भेजा था, जो 14 सितंबर 1959 में इन्होंने भेजा था। कौन? यूएसएसआर सोवियत संघ ने पहली बार चंद्रमा पर अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा था। ओके, डन, एक पॉइंट आ गया है। दूसरी बात, सबसे पहला कदम कौन रखा था चंद्रमा पर? तो नील एंडरसन आर्म स्ट्रांग पहली बार कदम रखा था चंद्रमा पर। ठीक है, पहली बार चंद्रमा पर कदम किसने रखा था? नील एंडरसन आर्म स्ट्रांग। एंड फिर दूसरी बार किसने भेजा था स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा पर? दूसरी बार किसने भेजा था? नासा भेजा था ओपोलो नाम का स्पेस क्राफ्ट, देख लीजिए ध्यान से। एंड 16 जुलाई 1969 में भेजा था, पहला 1959 में भेजा था, दूसरा नासा ने। अब आता है कि नासा का फुल फॉर्म भी जान लें। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स नासा स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड हिंदी में होता है इसका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम। तो ये नासा का फुल फॉर्म भी जान गए। ये नासा कितने व्यक्ति को, कितने लोगों को भेजा था? तो 3। इनमें से 3 कौन कौन गए थे? तो माइकल कॉलिंग गए थे, एडविन बज गए थे और साथ साथ नील आर्मस्ट्रांग गए थे चंद्रमा पर नासा के द्वारा। ये तो हो गया आपका जो सबसे पहले और दूसरे गए थे। आइए भारत की ओर से पहली बार चंद्रमा पर चंद्रयान 1 भेजा गया था। कौन, क्या भेजा गया था? पहली बार भारत पर चंद्रयान 1 भेजा गया था, 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। कब भेजा गया था चंद्रयान 1? 22 अक्टूबर 2008 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे आप लोग। एंड कहां से भेजा गया था? सतीश धवन केंद्र से भेजा गया था, श्री हरिकोट से। एंड ये कैसा था चंद्रयान 1? तो ऑर्बिटल मिशन था, वो चंद्रमा के चारों तरफ घूमने वाला। ठीक है, ये संपर्क टूट गया। और ये क्या खोजा था? इम्पोर्टेंट बात, चंद्रयान 1 क्या खोजा था? तो जल की उपलब्धि हासिल किया था चंद्रयान 1, जल की उपलब्धि हासिल किया था। कौन? पहला भारतीय चंद्रयान 1 जो चंद्रमा पर स्पेसक्राफ्ट गया था, तो वो कौन गया था? चंद्रयान 1 जो जल की उपलब्धि का लेखक था। ये किसके द्वारा गया था? पीएसएलवी सी ट्वेल्व पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग जान ले, पोलर सैटेलाइट चंद्रयान 2 पे उसका डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को। कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। ये GSLV MK थर्ड M1 था और ये ऑर्बिटल था, ऑर्बिटल परिक्रमण चारों तरफ घूमने वाला चंद्रमा की, एंड लैंडर एंड रोवर। लैंडर था जो चंद्रमा पर लैंड करता और इसका नाम था विक्रम, और रोवर और वहां जाके प्रज्ञान इसका विजडम। इनका ये जो चंद्रयान 2 है ये दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करता, दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अगर ये लैंड हो जाता, मगर दुर्भाग्य से 2 किलोमीटर पहले इसका संपर्क टूट गया। कारण क्या था ये संपर्क टूटने का, चंद्रमा सेकंड का संपर्क टूटने का कारण क्या था? तो स्पीड बढ़ गई थी। अगर स्पीड नहीं बढ़ती और लैंड कर जाता तो भारत देश का, वर्ल्ड का, दुनिया का पहला देश होता सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रमा पर। तो चंद्रमा 2 का ये विशेषता थी। और आइए नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चंद्रयान 3 पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों देखते हैं आगे चंद्रयान 3 का क्या है और कब लॉन्च हुआ। 14 जुलाई 2023 को 14:35 पर ये लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को 14:35 पर लॉन्च हुआ। ये LV-M3M4 है स्पेसक्राफ्ट। इसका वेट 3900 kg है। ये चंद्रमा जो है पहुंचेगा लगभग 40 से 45 दिन में पहुंचेगा ये चंद्रमा पर। तो 23 से 25 अगस्त तक चंद्रमा पर लैंडिंग कर जाएगा चंद्रयान 3, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग, उम्मीद करता हूं कि ये 99.9% ये लैंड करेगा चंद्रयान 3। इस पर बहुत वर्क किया है हमारे इसरो के, ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा चंद्रयान 3 भारत देश का। ये बहुत गर्व की पहला ध्रुव होगा। वहां पर मुश्किल क्यों है लैंड करना? तो वहां पर सूरज की रोशनी नहीं जाती है और उसका स्थिति 70 डिग्री पर होता है, एंगल पर होता है जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है। बहुत सारे गड्ढे हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, -230 डिग्री टेम्परेचर है दक्षिण ध्रुव पे, तो इसलिए थोड़ा परेशानी होती है। उम्मीद है कि पूरी ये लैंड करेगा और ये भारत देश का, वर्ल्ड का, दुनिया का पहला देश बन जाएगा। और इसमें 3 स्टेज है और 3 मॉड्यूल है। 3 मॉड्यूल में प्रोजेक्ट मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल है एंड रोवर मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल है। एंड स्टेज 1 में S200 जिसमें बूस्टर है एंड ठोस ईंधन है जिसके कारण, ठोस ईंधन उसमें लगता है, जैसे दीपावली के पटाखा वगैरह में लगता है ना, तो उसी में वैसे ही इसमें लगाया गया है जिसका गति नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। और इसका आगे आप लोगों को चंद्रयान 3 का पूरा पिक भी दिखाएंगे आगे चल के, इस तरीके का होता है। यहाँ पर ये बूस्टर लगे होते हैं, ठोस ईंधन है, ये कुछ दूर चल के फिर अपने आप अलग हो जाता है। एंड स्टेज सेकंड की ओर हम लोग चलते हैं। स्टेज सेकंड S200 है, ठोस ईंधन होता है जो दीपावली के पटाखे में यूज किया जाता है, ये नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। प्लस
और दूसरा स्टेज क्या है, तो इसमें दूसरा स्टेज 110 लिक्विड फ्यूल होता है इसमें, एंड थर्ड स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थर्ड स्टेज ये हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन होता है एंड लिक्विड फ्यूल होता है इसमें, H+O2 फ्यूल होता है, एंड फोर स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 चंद्रयान 3 लैंडर एंड रोवर, ये तीनों चारों पॉइंट आपके पास आ गया है इसका डिटेल। और ये क्यों छोड़ा गया है, अब सवाल आता है कि चंद्रयान 1 छोड़ा गया, चंद्रयान 2 छोड़ा गया, तो चंद्रयान 3 क्यों छोड़ा गया, ये डिटेल्स आपने जान गए हैं फर्स्ट लैंड के चांद पर पहुंचने से लेकर भारत का चंद्रयान 3 तक का आपको सारा कहानी मालूम हो गया। इम्पोर्टेंट बात इसमें से एक और है, क्यों छोड़ा गया, और ये बहुत ही सस्ते में बना है चंद्रयान 3, लगभग 615 करोड़ में ये तैयार हुआ है, 615 करोड़ में चंद्रयान 3 बन गया है। अब इसका फायदा और नुकसान क्या है, तो जो चंद्रयान 2 जो छोड़ा गया था, जो बीच में संपर्क के टूटने के वजह से उसका काम नहीं हुआ, तो उससे उभरने के लिए उससे उभरने के लिए चंद्रयान 3 छोड़ा गया, और इसका सक्सेस 90.99% ये लैंड करेगा। और सबसे बड़ी बात कि दक्षिणी ध्रुव पर अभी कोई भी देश का स्पेस क्राफ्ट नहीं गया है चंद्रमा पर कोई भी, तो ये पहला देश बन जाएगा लैंडिंग करने वाला भारत का चंद्रयान। और इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि चंद्रमा के सतह पर कौन सा रासायनिक और खनिज लवण है, इसकी संरचना का पता लगाएगा आपका चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 का ये बड़ा मिशन और बड़ा ही मेन मकसद है इसमें सब। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा